आखिरी विदाई दी जा रही है चांदनी को। रुपहले पर्दे की वो अभिनेत्री जिसने 5 दशक तक जो सिने प्रेमी हैं उनके दिलों पर राज किया अपनी अदाकारी से और अपनी अदाओं से। ये देखिए आप किस तरीके से आज आखिरी विदाई देने के लिए पहुंच रहा है बॉलीवुड अपनी चांदनी को। जयाप्रदा, हेमा मालिनी, सोनम कपूर, ये तमाम शख्सियतें जो पहुंच रही हैं मुंबई का सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब अंधेरी में, जो श्रीदेवी के घर से महज 100 मीटर के फासले पर है, वहीं पर इस वक्त श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को रखा गया है। सुबह 9:30 बजे से पार्थिव शरीर यहां पर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए, और अलग अलग व्यवस्था की गई है वीवीआईपीज के लिए और साथ ही आम लोगों के लिए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो जो वीवीआईपी गेट है वहां से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और वहीं पर मौजूद है मेरे सहयोगी अभिसार शर्मा। सीधे आपको लिए चलते हैं अभिसार के पास। अभिसार, और कौन कौन पहुंच रहा है जरा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल रोमाना, तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो श्रीदेवी के दोस्त हैं, उनका पहुंचना लगातार जारी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। दरअसल काफ़ी ऐसे लोग थे जो उनके ग्रीन एकर निवास स्थान के जरिए पहुंच चुके थे, उनके घर पहुंच चुके थे, और उसके बाद लगातार लोगों का सिलसिला आना जारी है। हम उम्मीद कर रहे हैं हमसे बस कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पहुंचेंगे। इसके अलावा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग जो हैं यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। जी हां, श्रीदेवी का आखिरी दीदार करने, और ये तस्वीरें हम लगातार आपको न सिर्फ सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब से कि बाहर से बल्कि अंदर से भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। और तमाम लोग जो हैं इस वक्त अलग अलग जगहों से श्रीदेवी के आखिरी दर्शन, उनके आखिरी दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। रोमाना, बिल्कुल हमने तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से तब्बू हो, सुभाष घई हो, सुभाष घई के साथ आइकॉनिक फिल्म कर्मा में काम किया था श्रीदेवी ने, और साथ ही अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना ने जो आखिरी फिल्म थी श्रीदेवी की मॉम, उस फिल्म में उनके साथ काम किया था। और आइए आपको लिए चलते हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए जरा। सुष्मिता सेन पहुंची हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, और ऐसा लग रहा है सुष्मिता के चेहरे को देखकर कि जैसे किसी तरीके से बस उन्होंने अपने आंसुओं पर काबू कर रखा है, और शायद श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाएंगी। हम सीधे आपको लिए चलते हैं इसी सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब के भीतर, जहां से मृत्युंजय सिंह पल पल की रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मृत्युंजय, अब किसे देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसा आपने तस्वीरों में हमने दिखाया कि सुष्मिता सेन पहुंची हुई हैं। सुष्मिता सेन जो कि नए दौर की अभिनेत्री हैं, और लेकिन जो पारिवारिक संबंध है वो बहुत करीब का रहा है सुष्मिता सेन का, और हालांकि बहुत अधिक साथ में काम नहीं किया है, लेकिन जो श्रीदेवी का संबंध हर किसी से बना होता है वो जरूर देखने को मिला है। तो लगातार जो मोमेंट है वो जारी है, जो लोग हैं सेलिब्रिटी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आमतौर पर जो दर्शन करने आते हैं आखिरी दर्शन, वो बहुत अधिक नहीं रुकते, क्योंकि वो बहुत गमगीन हो जाते हैं, वो माहौल में बहुत अधिक लोग नहीं रह पाते हैं हिम्मत जुटाने। लेकिन आपको बताएं कि जो लोग अंदर जा रहे हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कि परिवार के साथ सांत्वना देने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि जो लोग अब तक यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें करण जौहर सुबह से ही यहां पर पहुंचे हुए हैं, नेताओं में अमर सिंह पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा तब्बू यहां पर हमने देखा, इसके अलावा फराह खान, हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देओल के साथ आई थी, अनिल कपूर के जो तीनों बच्चे हैं, सोनम कपूर हैं, हर्षवर्धन कपूर हैं और रिया कपूर, तीनों ही बच्चे अनिल कपूर के यहाँ पर पहुंचे। साथ ही साथ मिकी कॉन्ट्रैक्टर जो कि मेकअप गुरु जिनकी पहचान है वो है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।